दोस्तों आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत से ही पहले दिल्ली कैपिटल को लगा है बहुत ही बड़ा झटका। आपको बता दें कि इंग्लैंड के धुरंधर ओपनिंग बैट्समैन जेसन रॉय ने इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल ने उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज डैनियल सैम्स को टीम में शामिल किया है। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज में से भी नाम वापस ले लिया था। उन्होंने यह फैसला मांसपेशियों में खिंचाव के कारण लिया है। इस सलामी बल्लेबाज को ओल्ड ट्रैफर्ड में इस हफ्ते हुए अभ्यास के दौरान चोट लगी और बुधवार को हुए स्कैनिंग में उनकी चोट की जानकारी मिली। रॉय इंग्लैंड और दिल्ली कैपिटल के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल 2020 से अपना नाम वापस लिया है। इससे पहले अप्रैल में क्रिस वोक्स ने निजी कारणों के चलते अपना नाम वापस लिया था। हाल ही में उनकी जगह साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉटर्जे को दिल्ली कैपिटल ने अपने साथ जोड़ा था। रॉय इंग्लैंड की टीम के साथ रहेंगे और 4 सितंबर से साउथहैम्पटन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रहे सफ़ेद गेंद की सीरीज के लिए समय पर उबरने का प्रयास करेंगे। अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।